हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां लिख दिया हूं और इसी को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दिया है त्रिभुज एबीसी और डीबीसी, आप देख सकते हैं ये त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज बीबीसी, ये दो ट्रायंगल हैं जो बीसी पर बने हैं, एबीसी भी बीसी पर है, डीबीसी भी बीसी पे, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब एबीसी भी समद्विबाहु है, डीबीसी भी समद्विबाहु है, ए और डी बीसी एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एडी यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर काटता है तो सिद्ध करना है। पहला नंबर एबीडी, एबीडी सर्वांगसम है एसीडी के, फिर एबीपी, एबीपी सर्वांगसम है एसीपी के। एपी कोण क्या करता है? ए को समद्विभाजित करता है, कोण ए और डी दोनों को दो बराबर भाग में बांटता है, एपी बीसी पर लंब समद्विभाजक। तो चलिए पहले यहाँ लिखिए दिया है, ठीक है ना, दिया है, क्या दिया है? दिया है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बीबीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद में और क्या दिया है? और कुछ नहीं, ठीक है ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है नंबर एक, क्या ए सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है ना। सेकंड सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। तीसरा सिद्ध करना है कोण ए पी, कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है। आने का मतलब हमें सिद्ध करना है कोण बी ए, कोण बी ए पी बराबर कोण कोण सी ए पी। और चौथा नंबर में दिया है और इसको भी डी को भी समद्विभाजित करता है, यानी कोण बी डी पी, कोण बी डी, बी डी पी बराबर कोण ए सी में ही है, तीसरे नंबर में ही है, बी डी पी बराबर कोण सी डी पी। और चौथा नंबर सिद्ध करना है कि ये इस पे लंब है, अर्थात कोण बी पी ए बराबर 90 अंश। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, लंब है तो 90 अंश ही लाना है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ लिखते हैं उपपत्ति, ठीक है ना। उपपत्ति में पहले हम लेते हैं दूसरे नंबर को, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर में क्या है? ए बी पी और ए सी पी, यानी कि त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी तथा त्रिभुज सी सी ए पी में देखो क्या है। यहाँ लिखो चूंकि त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा? ए बी बराबर होगा ए सी के, ए बी बराबर ए सी। कहाँ से आया? यहाँ लिख दीजिए दिया है, जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होंगे ही होंगे। दूसरा नंबर क्या है? अब आप ये थ्योरम पढ़े हैं, यदि दो भुजाएं समान हो तो सामने के कोण समान होते हैं, अर्थात जब यह भुजा इसके बराबर है तो ये पूरा कोण इस कोण के बराबर, इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, यहाँ लिखेंगे। इसलिए कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, ठीक है ना। क्यों? यहाँ लिखिए चूंकि समान भुजा के सामने के कोण, भुजा के सामने के कोण है, के कोण है, ठीक है ना। समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। अगला नंबर ए पी बराबर ए पी, ए पी बराबर ए पी। अब आप देख सकते हैं ए पी बी ए पी में भी है और ए सी पी में भी है। कहाँ से आया? यहाँ लिख दीजिए कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है। यहाँ लिखिए इसलिए सी टी, सी टी विथ, विथ क्या है? साइड एंगल साइड, यस ए यस, ठीक है ना, यस ए यस, ये हो गया त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी, ए सी पी, ए सी पी, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया, कहने का मतलब जब हम मोड़ेंगे तो ए ए पे बैठेगा, पी पी पे बैठेगा, और ये वाला कोण इस पे बैठेगा, और ए बी बैठेगा ए सी पर, ए बी बैठेगा ए सी पर, ए पी पर बैठेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला?
ये वाला कोण इस कोण पे बैठेगा, ठीक है ना। जब ए बी बैठेगा ए सी पर, ए पी बैठेगा ए पी पर, और ये वाला इस वाले पे, अर्थात ये वाला इस वाले पे यहाँ लिखो। इसलिए कोण, इसलिए कोण बी ए पी, बी ए पी बराबर होगा कोण सी ए पी के, सी ए पी के। तो आपका ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, तो जब ये वाला इस पर बैठेगा ए पी, ए पी पे बैठेगा, ये कोण इस पे बैठेगा, इसका मतलब बी पी बैठेगा सी पी पे, अर्थात ये कोण बैठेगा इस कोण पे। इसका मतलब ये हुआ एंगल ए पी बी बराबर होगा एंगल ए पी सी के, है ना। तो इतना बराबर मान लो यस, यानी को माना, ठीक है ना, यानी को। इसलिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी बराबर हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि जब दोनों को ए ए पी बी माने ये इतना और ए पी सी माने ये इतना मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सेमी सर्किल, मतलब अर्धवृत्त बनेगा, या लाइनियर पेयर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लाइनियर पेयर माने रेखीय कोण, रेखीय कोण, ठीक है ना, रेखीय कोण है। तो अब इसकी जगह ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हुआ तो ये कोण इसके बराबर हुआ, दोनों का मान हमने ये एक्स तो ये भी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स बराबर 180 या 2x हो जाएगा बराबर 180, 180 में दो का भाग दे देंगे, x बराबर 90 बराबर हो गया एंगल APB बराबर हो गया एंगल APC। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये जो 90 अंश लाना था ये भी प्रूफ हो गया। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, इस बारे में यहाँ लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज BPD तथा त्रिभुज, तथा त्रिभुज PBC में, ठीक है ना। अब देखो चूंकि बी डी सी क्या है, समरूप समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ लिखो चूंकि त्रिभुज बी डी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं समान होंगी, अर्थात बी डी बराबर होगा सी डी के, यहाँ लिखो। इसलिए बी डी बराबर क्या हो गया, सी डी। इसके बाद में अब देखो जब दो भुजा समान होती है तो सामने के कोण समान होते हैं, जब यह है इसके बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का, इस भुजा के सामने का कोण ये, अर्थात बी पी डी, बी पी डी बराबर होगा एंगल किसके, सी डी डी ए मिनट, ये कोण बराबर होगा इसके, यानी एंगल पी बी डी, एंगल एंगल पी बी डी बराबर होगा एंगल इसके एंगल पी सी डी के, पी सी डी के, है ना। जब यह भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि समान भुजा के सामने के कोण, समान भुजा के सामने के कोण है, ठीक है ना। समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं, पर मैं आपको बता चुके हैं, सिद्ध करवा चुके हैं। फिर उसके बाद में पी डी बराबर पी डी, पी डी बराबर पी डी, देखो पी डी इस ट्रायंगल में भी है, पी डी इस ट्रायंगल में भी है, यहाँ लिखो। इसलिए सी पी सी टी विथ, मतलब कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या है, साइड एंगल साइड, यस ए यस, ठीक है ना। त्रिभुज बी पी डी, बी पी डी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, सी पी डी के, सी पी डी। तो डियर स्टूडेंट्स ये चार क्वेश्चन थे, चारों प्रूफ हो गया। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।